नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत मेहनत किया है इस वीडियो के लिए मैंने, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि सानी साढ़े साथी एवं ढैया जो आती है हमारी लाइफ में, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होता है, ये क्यों आती है, ये हमें क्या सिखाती है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, यानी क्या करें क्या ना करें इस दरमियान जब ढैया और साढ़े साथी चल रही हो, और इसका उपाय क्या हो। कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज पे हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसा उपाय जो शायद आपने नहीं सुना हो। उसके साथ साथ देखिए, इस वीडियो को तो सारे राशि वाले देखिएगा, क्योंकि इस ढैया और साढ़े साथी तो सबको जीवन में आनी है, लेकिन खास करके तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन वाले जरूर देखिएगा, क्योंकि तुला को ढैया चल रही है, वृश्चिक को ढैया आने वाली है, धनु, मकर और कुंभ को साढ़े साती चल रही है, और मीन को शनि की साढ़े साती जनवरी 2023 से आने वाली है। तो ये राशि के अगर आप हैं तब तो आप श्योर देखना, लेकिन बाकी राशि के भी हो तो भी देखना। आप देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि साढ़े साती क्यों आती है लाइफ में, या ढैया क्यों आती है। शनि साढ़े साती और शनि की ढैया, ढैया कहने का मतलब है कि ढाई साल, और साढ़े साती कहने का मतलब है साढ़े सात साल। जब चंद्र राशि से एक घर पीछे शनि गोचर करते हैं तो साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है, और जब शनि का गोचर चंद्र राशि से फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में होता है तो ढैया चलती है। ये जो दोनों चलती है, दोनों का लगभग मकसद सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि ढाई साल ढैया चलती है, साढ़े साती साढ़े सात साल चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे जीवन में क्यों आती है। देखिए, साढ़े साती जो हमारे जीवन में आती है, दो तीन प्रमुख कारण से आती है। पहला कारण होता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर देना, जो भी हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, बुरे या अच्छे। ऐसा नहीं कहूंगा कि साढ़े साती सबको खराब परिणाम देती है, नहीं, डिपेंड करता है। कुछ को अच्छे रिजल्ट्स भी साढ़े साती में मिलता है, लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स तो सबको मिलता है। तो सबसे पहले आती है हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए। अब कार्मिक अकाउंट का क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव बन जाइए। कार्मिक अकाउंट क्लियर करने का मकसद होता है शनि का, कि आने वाले समय में साढ़े साती के बाद आपके लिए सक्सेस का राह आसान कर देना, सक्सेस के लिए आपके लायक आपको बना देना। कई मामलों में, कई तरीके से वो आपको सक्सेस के लायक बनाते हैं, आपके कार्मिक अकाउंट का फल देकर के, अच्छे बुरे कर्मों का फल देकर के। दूसरा क्या मकसद होता है साढ़े साती का, कि आपको मैच्योर्ड बना देना। मैच्योर्ड बनाने के लिए आती है। मैच्योर्ड बनाने में क्या क्या यह परिवर्तन लाती है आपके अंदर। पहली चीज तो, अगर डिसिप्लिन में आप नहीं है तो साढ़े साती आपको डिसिप्लिन में लाती है। मैच्योर्ड बनाने का क्या क्या मतलब होता है साढ़े साती का, वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आपको लाती है। दूसरा, ये आपको स्पिरिचुअल बनाती है। जब कष्ट बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती है, तो अच्छा खासा मजबूत इंसान भी फिर स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाता है। वो भी ईश्वर की शरण लेता है। मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा है। जो ईश्वर की शरण में है वो और ज्यादा ईश्वरत्व की ओर बढ़ता है, जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता वो भी साढ़े साती में मानने लगता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा और क्या रीजन होता है मैच्योर, ये कैसे बनाता है, अच्छे और बुरे में फर्क समझा देता है। जो आपको मैच्योर्ड बनाने के लिए साढ़े साती आती है, वो मैच्योरिटी में और क्या करती है, कि आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझा देती है, कि कौन इंसान दुनिया में अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, कौन वास्तव में अपने हैं, कौन वास्तव में पराये हैं, कौन वास्तव में हमसे प्यार करते हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए हमसे चिपके हुए थे, और कौन इंसान है जो वास्तव में प्यार नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको समझाना मैच्योरिटी के अंदर ये भी आता है। और मैच्योर बनाने के लिए क्या करते हैं शनिदेव, यहां पे ईगो और एंगर को खत्म कर देते हैं। ये निश्चित रूप से ये चार चीजें आपके साथ साढ़े साती में हुई होंगी, और अगर साढ़े साती आने वाली है तो उसमें ये चीज होगी। ढैया चल रही है तो भी हुई होगी, और ढैया आने वाली है तो भी होगी, कि आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, डिसिप्लिन बनाएंगे मैच्योर करने के लिए, अच्छे और बुरे में फर्क समझा देंगे, और उसके साथ साथ जो अंतिम चीज शनिदेव करते हैं मैच्योर बनाने के लिए, आपके अंदर के ईगो को और एंगर को खत्म करते हैं। ईगो और एंगर, दो चीज साढ़े साती और ढैया में निश्चित रूप से कम पड़ जाती है। अगर आप में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी दुनिया में ईगोस्टिक होता है और हर आदमी में गुस्सा बहुत होता है, लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी के ईगो और एंगर में ये कमी लाते हैं, और अगर ईगो और एंगर कम है तो ये बुरे इफेक्ट भी कम देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, चार चीजें मैच्योर करने के लिए ये आपको करते हैं। अब है कि साढ़े साती जो है क्या सिखाती है हमको, ये तो हो गया कि क्यों आती है, अब क्या सिखाती है जब आती है। तो देखिए, जब ये आती है तो सबसे पहले ये सिखाती है कि हमको किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अच्छे और बुरे का ये फर्क समझाती है, कि कौन दुनिया में अच्छा है, कौन दुनिया में बुरा है, सही और गलत की पहचान आपको साढ़े साती सिखा देती है। दूसरा चीज जो आपको सिखाती है, ये विनम्र होना सिखाती है साढ़े साती, और दर्द को झेलने की शक्ति भी दे देती है।
आपको लिख के बता रहा हूं कि पहले साढ़े साथी आने से पहले या ढैया आने से पहले आपको जो छोटी छोटी बात प्रभावित करती थी, छोटी छोटी चीजें, आप दर्द को आप नहीं झेल पाते थे, ढैया और साढ़े साथी के बाद आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि आप सीख जाते हैं कि दर्द को कैसे झेलना है। और अगर अपने भी प्रॉब्लम में हो तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, पहले आप बहुत चिंता करते थे। तो ये चीजें आपको ये सिखाती है। और क्या सिखाती है? ईश्वर के चरणों में झुके रहना सिखाती है, आपको स्पिरिचुअल बनाती है, ईश्वरत्व की तरफ ले जाती है। ये सारी चीजें फैक्ट्स है और इसको स्वीकार करने की शक्ति रखिए, तभी साढ़े साथी में आपके लिए रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। उसके बाद एक और चीज साढ़े साथी आपको सिखाती है, सही मार्ग पर चलना भी सिखाती है। साढ़े साथी और ढैया में इंसान इतना चोट खा चुका होता है कि ईगो एंगर भी कंट्रोल हो जाता है और उसके साथ साथ सही मार्ग पर चलना भी सीख जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था फिर भी मुझे काफी कष्ट मिला। मैं अंत में वहां पर भी आऊंगा कि क्यों आप अच्छे थे फिर भी आपको कष्ट मिला, आप घबराइए नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें। दुष्प्रभाव से बचने का क्या है, यही एक ही तरीका है कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को या साढ़े साथी के प्रभाव को पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट जरूर कम पड़ेंगे और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर बढ़ेंगे अगर आप ये मानकर देखकर चलिएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ईश्वर की आराधना करें। अपना जो भी इष्ट आपके हैं, जिनको भी आप दिल से मानते हैं, उस ईश्वर की आराधना आप जरूर करें। दूसरी चीज, अपने माता और पिता की सेवा करें। उनसे वो अगर आप आपके साथ अगर थोड़ा दुष्ट आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे पेरेंट थोड़े सा का व्यवहार मेरे प्रति नहीं भी अच्छा है, तब भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिएगा, क्योंकि माता चंद्रमा का कारक और पिता सूर्य का कारक। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो माता चंद्रमा और सूर्य को बल मिलेगा, और जब चंद्रमा और सूर्य को बल मिलेगा तो शनि साढ़े साथी का बुरा इफेक्ट कमेगा, क्योंकि चंद्रमा को ही पीड़ित करते हैं शनि, और सूर्य के प्रसन्न होने से आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो माता पिता की सेवा जरूर करिएगा, उनको जरूर हर प्रकार से खुश रखिएगा। अगर वो थोड़ा सा आपको लगे कहीं मिसबिहेव हो रहा है आपके पेरेंट की तरफ से आपको, तो आप उसके लिए उनको साढ़े साथी में इग्नोर करके चलिएगा। तीसरा है जो आपको करना है, जानवरों के प्रति, स्पेशली काली चींटियां हो गई, कुत्ते हो गए, इन सब के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। इन सबको अगर भोजन दे सकते हैं तो भोजन दें। ये चीजें आपको करना है। और क्या नहीं करना है साढ़े साथी में, जिससे दुष्प्रभाव कम रहे, बुरे कर्म, व्यभिचार और शराब। मद्यपान से जितना हो सके दूर रहिए, बहुत लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, उससे बचिए, व्यभिचार से बचिए, बुरे कर्म से बचिए। उसके साथ साथ किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर साढ़े साथी और ढैया चल रही है, जिनकी चल चुकी है उनको तो पता है, लेकिन जिनको चलने वाली है उनके लिए कह देता हूं कि क्या नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। साढ़े साथी में बड़ा रिस्क लेने से भी बचना है, अच्छा से सोच विचार करके ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा, क्योंकि नुकसान होने की संभावना रहती है। और क्या नहीं करना है दुष्प्रभाव से बचने के लिए, ईगो और एंगर को जितना कम करके चलिएगा, शनिदेव का नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा। जितना हो सके ईगो और एंगर से बच के चलिए, विनम्र अपने आप को रखिए एटलीस्ट साढ़े साथी और ढैया के दरमियान, तो रिजल्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ भी कम होगी। अब है कि उपाय, देखिए उपाय में क्या क्या आप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव के शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की सेवा करें, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें, एक दीपक वहां पीपल वृक्ष पे जलाएं, ये सब चीज करें, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत का पाठ करें। ये सब चीज शनि के निगेटिव इफेक्ट्स को से कम करेगी और उससे पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए रेस्ट, आप ये सब करते हैं, अगर आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, हम अच्छे इंसान थे फिर भी बुरा फल मिला, देखिए अच्छे इंसान को हमेशा बुरे के लिए बुरा फल नहीं मिलता है, इस चीज़ को मैंने कहा था लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। अगर आप अच्छा इंसान है फिर भी शनि ने तकलीफ दी है तो चिंता मत करिए, शनि के दरवाजे पर देर है पर अंधेर नहीं है। अगर ये अच्छे इंसान को साढ़े साथी में तकलीफ देते हैं, तपाते हैं, तो निश्चित रूप से साढ़े साथी निकलने के बाद उसको अच्छा परिणाम भी देते हैं। आप यही समझ के उस चीज को भूल जाइए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे जिसका रिजल्ट शनि ने मुझे दे दिया, आने वाला समय मेरे लिए बढ़िया है। अगर आप अच्छे इंसान हैं उसके बाद भी पीड़ा हुई है तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। उसके साथ साथ देखिए शनि का रिजल्ट सबके लिए साढ़े साथी में एक समान नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि सबके कुंडली में शनि की पोजिशन एक जैसी नहीं होती है। किसी की कुंडली में शनि उच्च के, किसी के नीच के, किसी में मित्र भावस्थ, किसी में शत्रु भावस्थ, किसी के योग कारक ग्रह में केंद्र में, किसी के त्रिकोण में, किसी के त्रिक भाव में बैठे हैं। उसके साथ साथ बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्न कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षडबल में ग्रहों की पोजिशन क्या है, ये सब महादशा अंतरदशा किसकी चल रही, ये सब चीजों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो और आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो अपनी कुंडली का भी एनालिसिस एक बार जरूर कराइएगा, ताकि और सारी चीजें स्पेसिफिक तरीके से निकल के सामने आए, नवग्रह की पोजीशन से लेकर के ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको कहा,
ताकि आप डिसीजंस अच्छे ले सकें और रेमेडीज भी आपके लिए अच्छा निकल सके। तो अगर आप कराना चाहते हैं एनालिसिस तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमसे कराना हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा टाइटल के नीचे, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं और अच्छा लगे तो आप वहां भी करा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, चीज़ें आपके लिए सही रहेगी। और स्पेसिफिक किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं बताइएगा आकर के, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू सो मच।